बच्चे सब मेरे घर पे थे वो जो पकड़ाए गए वो सब बच्चे घर पे थे तो रोजे के टाइम पे तो अपने घर पे ही होना चाहिए ना रोजे की तैयारी थी कम से तीन मिनट बाकी थी तीन चार चार मिनट हो कि दस मिनट हुए और पुलिस ए के दरवाजे के अंदर दो गाड़ी खड़ी कर दी और पूरे पुलिस वालों मेरे बच्चे बाहर हमारे जोटे पे खड़े थे वो पुलिस आके खड़ी रही तो डर के मारे दरवाजा बंद करते थे तो दरवाजे के अंदर लकड़ी डाल दी पुलिस वालों ने दरवाज़ा बंद होने नहीं दिया दरवाजे को लाता मार के दरवाज़ा तोड़ डाला और अंदर घुस गए अंदर आके सब मारपीट करी बच्चों को लेडीज़ को सब कुछ मारपीट करी और चार लड़कों को ले गए उसमें मैं भी थी છોકરા છોકરાને લઈ ગયા અને ચકને જાતે ખડી તો હો ગઈ અગર કો ધક્કા મારને ગઈ તો મેં ડર કે મારી ઉપડે પકડ લીએ तो उनका जो ऊपर कोई कपड़ों पे लगाए लाता है वो वो कोई ऐसी लंबी चीज़ मेरे हाथ में आ गई नहीं कोई उनके साथ हमने कोई मारपीट नहीं करी उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार कराएगा जो पेपर में कल की तारीख में आया कि औरतों ने हमको घेर के मारा हुआ है और हमारा बैग छीन लिया आएगा वो गलत बोल रहे बिल्कुल सरा झूठ बोल रहे क्योंकि मेरे हाथ में जा गया है मैं डर से उनके कपड़े पकड़ लिए थे और मेरे हाथ में आ गया मेरे को धक्का मारा था उन्होंने तो वो जो रेगुलर रूटीन है उससे हटकर दूसरे रूट पर जुलूस की सवारी निकली तो वहाँ जब सवारी निकली तो बिल्कुल जो रोड पर जो मस्जिद है धुल दिया धुल उस मस्जिद का टाइम एक बजकर पंद्रह मिनट का है जमात का तो उसी वक्त पर वो जो यात्रा थी बिल्कुल दरगाह के पास फतेहपुरा जो रूटीन जो था उससे हटकर कर दूसरे रूटिंग पर वहाँ खड़ी थी तो मोहल्ले में कोई नौजवान भी नहीं थे और सब अपने अपने काम काज पर बिजी थे और अचानक से वहाँ उन्होंने तलवारें दिखा कर और पत्थरबाजी शुरू कर दी और दरगाह पर भी थोड़े पत्थरबाजी की उधर से सब दौड़ते दौड़ते आए और गाड़ियों को सामने रखी मेरे लारी के सामने की साइड पर

और रोहन शाह ने मेरी लारी पास खड़े थे पर पुलिस भी खड़ी थी कोई ने मना नहीं किया कितना नुकसान कर रहे ये नुकसान की भरपाई कौन देगा पैसा भी था वो भी सब लेकर गए पूरी लारी ऊंधी कर दी सब तोड़ फोड़ टेबल वेबल सामान थपेले सब ऊंधे कर दिए और जो पंजीगिर में जो पत्थर मारा हुआ उसका आप सीसी कैमरा चेक कर लो उनकी गाड़ियों पे क्या नुकसान है वो आप चेक कर लो और जो यहाँ पर भाषण दिए ला रोहन शाह ने क्या पुलिस को कर्णावती में मार मार के बगा जब पुलिस तो खड़ी थी

तो रौनक तो शाह तो तो के, बढ़ के।, आजु आजु के बढ़ जो था बी एस पी का नेता उसने कहा कि दो हजार दो को हम रिपीट करेंगे बोले ये कायर कौम है और इस तरह बोले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और पुलिस वालों को भी दौड़ा दौड़ा के मारा था इस तरह का स्टेटमेंट दिया उसने तो उसी स्टेटमेंट का असर शाम को हुआ शाम को दूसरी और भी यात्रा निकली संगम से निकली है मांडवी होकर न्याय मंदिर तो हर जगह पर जाकर उन्होंने दंगा शुरू कर दिया है तो जहाँ भी मस्जिद देखते थे मस्जिद पे पथराव करते थे यहाँ पर एक मस्जिद फ़तेहपुरा पर है फिर उसके बाद चापानेर पर है फिर उसके बाद मांडवी थोड़ा हंगामा किया फिर न्याय मंदिर किया तो अलग अलग एरिया पे हंगामा बढ़ता गया कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस वालों ने वहाँ से मुसलमानों को बताया कि भाई आप निकलना मत हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो पथराव करने वाले जो थे उन्होंने और अंदर आने लगे और मुसलमानों को ये डर लगा के यहाँ तक आ जाएंगे तो उन्होंने भी थोड़ा पथराव किया तो ये बात फैलते फैलते यहाँ पर इतनी मतलब फैल चुकी कि यहाँ पर भी दंगा मस्जिद के करीब हो चुका हाथी खान जो मेन मस्जिद है वहाँ पर भी उसके बाद वो ये पूरा शांत हुआ मैं दस मिनट के बाद अपने घर पर आया मैंने यहाँ का माहौल देखा देखा तो सब अपने मोहल्ले में बैठे हुए थे औरतें भी थी बच्चे भी थे फिर अचानक से पुलिस आई तो लोग भागने लगे तो पुलिस आई तो उन्होंने सिर्फ रेगुलर एक राउंड किया यहाँ पर और बोले सब अपने अपने घर चले जाओ फिर पाँच मिनट के बाद दूसरी पुलिस का एक पचास का टोला आया है और दो तीन जीप आई और सबके घरों में घुस घुस के दरवाजे तोड़कर जैसे मेरे घर के सामने ही चा पाँच लड़के और तीन और का आठ जनों को अरेस्ट कर लिया तो मेरी घर की बऊवा को उस टाइम पे नहीं ले गई ले खाली चार मेरे लड़कों को ले गए ले और मेरी बऊा फिर शिकायत करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए गन्नाड़ा पुलिस चौकी पे गई थे बोले हमारे बच्चे निर्दोष है और उनको छुड़ा दो तो उसके अंदर कोई पुलिस वाला होगा उन्होंने लेडीज को बुला के मेरी जो घर की दो मेरी बवा है और एक मेरी लड़की है उनको गाड़ी के अंदर डब्बे में बिठा दिए और दूसरी दो मेले की और औरत थी उनको भी पांच जन को बिठा के वो लोग कहाँ पे ले गए ओ, हमको पता नहीं था रात को डेढ़ बजे पता चला कि इनको माजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर रखे गए अचानक से पुलिस आ गई और उन लोग तो मोहल्ले के अंदर से बाहर रोड के ऊपर भी नहीं कोई नाके पे भी नहीं मोहल्ले के अंदर फ्रूट की लाड़ी खड़ी है उसके अंदर से प्रूट ले रहे तो आके वो मार मारना चालू कर दिया हम बोल रहे हो क्या रहे रहेगा तो जेंट्स चाहिए उन लोग को इफ्तारी का एंड दस वक्त का दस मिनट का टाइम होगा और दरवाजे दूसरों के घर में मैं वहीं खड़ी हूँ दरवाज़ा पकड़ पकड़ के खोल रहे बद कि तोड़ो दरवाज़ा कैसे भी करके अंदर जाना है हमें और तकरीबन कितनी पुलिस एक भी लेडीज़ पुलिस नहीं है कोई जेंट्स नहीं है कोई नहीं हम लोग लेडीज़ लेडीज है और उन लोग ने लेडीज़ों पर भी हमला कर दिया इधर से आवाज़ आ रही है उधर से आवाज आ रही है तकलीफ लेडीसों को हुई है बच्चों को छोटे छोड़ छोटे बच्चों के साथ हम लोग इफ्तारी करे हुए थे तो भी हर घर से आवाज जैसे आवाज़ गूंज रही है पूरे में मैं हमारे हाथी खान के अंदर जो पुलिस फिर जो शाम को आई रोजा खोलने के पहले तो उसमें उनको हमारे सहायता करनी चाहिए थी कि भाई तुमको क्या हुआ भाई क्या प्रॉब्लम आई थी कि ये वो ये वो कुछ बात तो हुई नहीं और बल्कि सब उन्होंने आते ही सब चालू कर दिया कॉम्पिंग चालू कर दी कोई को पकड़ के खींच रहे हैं किसी के सबके दरवाजे खो इतनी जोर जोर से ठोक रहे हैं कि बच्चे घर में रोए मराठ कर रहे हैं या हमारे आँगड़े में टीयर गैस छोड़ा सारा धुआं हमारे घरों में उस उस वक्त भी रोज़ा नहीं खोला था सबके हल्क में इतना धुआं ने गया है सब कितने हैरान परेशान हुए कित कई लोग तो उसी वक्त तो वॉमिटिंग करते हो गए बच्चे इतने डर गए हैं जब हमारा कोई कसूर ही नहीं है तो फिर इधर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कोई मतलब ही नहीं था इधर आने का और अगर आए भी तो हम हमारे पुलिस भाइयों को भी प्रोटेक्शन करते हैं कि भाई पुलिस भाई हमारे जब त्यौहार होता है मोहर्रम त्यौहार ने कुछ भी होता है तो हमारे भाई हमें सपोर्ट करते हैं हम उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन जो इस उस दिन जो ये जो हादसा हुआ वो बहुत ख़तरनाक था और बहुत डेंजर था और हमको बिना कसूर के ही हम लोग कसूरवार हम लोग को ठहराया है कि हम लोग को हैरान परेशान किया है जो चीज़ें होती है कि भाई इसका पूरा जिम्मेदार जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को ठहराया और जो एफ़ दर्ज की गई जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो कंप्लेनेंट है तो उसमें 45 जो एक्यूज बताए गए हैं वो सारे के सारे मुस्लिम और यात्रा में जिन लोगों ने तूफान किया पत्थर मारा किया दरगाह पर पथराव किया उन पर उनमें से किसी का ना नाम एफआईआर में दर्ज किया ना उनके ऊपर कोई कार्यवाही की गई ये जो फिर यात्रा निकली थी शाम को उसमें आप देखेंगे कि बड़ौदा शहर में याकुतपुरा के पास चापानेर मस्जिद है वहाँ पर एक दरगाह है लहरीपुरा एक जो मार्केट जो है बाजार वहाँ पर एक मस्जिद है खजूरी मस्जिद उस पर भी जो है वो पथराव किया गया था नुकसान करने की पूरी कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ जो है इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो आज तक किया गया नहीं है तो पूरा एक तरफ ही ये मामला जो है किया गया है मुसलमानों को जो है वो डिटेन किया अरेस्ट किया गया है इसके अलावा ये भी है कभी कॉम्बिंग जब किया गया तो कॉम्बिंग के अंदर भी जो है पुलिस के तरफ से एट्रोसिटी की गई है वहाँ पर व्हीकल तोड़े गए हैं कुछ नुकसान भी किया गया है फिलहाल अभी जो चार पाँच दिन जो कार्यवाही हुई है पुलिस के तरफ से वो एक तरफा कार्यवाही हुई है जो वी का जो ऑर्गेनाइजर था जिसका नाम रौनक शाह है उसको जो है पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसकी जो एफआईआर है वो दूसरे पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और 153 ए के तहत जो है उसको अरेस्ट किया गया है लेकिन ये जो कम्युनल राइट्स वाली जो एफआईआर हुई है उसमें कोई कार्यवाही जो दूसरा जूथ है जो इन्वॉल्व है जिसमें बहुत सारे वीडियो जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है सीसीटीवी फुटेज में भी आसानी के साथ ये आ, मिल सकते हैं तो हमारी ये डिमांड थी कि भाई ये दोनों पैरेल होना चाहिए तो माहौल अभी भी हमें शांत नहीं हुआ है लोग डरे हुए हैं छोटे बच्चे भी बड़े बच्चे भी और वो चाहते हैं कि यानी कभी भी हम हमें कर सकते हैं इसलिए वो अपना एरिया छोड़कर दूसरी जगह पनाह गुजरे पुलिस को रक्षा करने के लिए पुलिस को रखा जाता है और पुलिस दंगिया कर रही है पुलिस को औरत जात की रक्षा करनी चाहिए पुलिस क्या करती है एक तरफी चला रही है पुलिस इंसाफ का पुलिस को हम पुलिस की ऐसा कहता भाई चलो पुलिस आ गई अब अपन को शांति मिल मैंने खुद ने लारी पे खड़ी देगी मैंने कहा पुलिस आ गई अपन को कुछ नहीं होएगा पुलिस को देखे मैं लारी पे खड़ी रही तो मेरा क्या गुनाह है मेहनत करके बच्चों को पालते ये गुनाह है क्या कसूर है क्या मेरा इतना नुकसान करो कौन भरपाई करेगा इसका ये चार दिन से बैठे हैं घर में कहां से ला लाकर पेट भरेंगे ये गुजरात पुलिस में हम देखते हैं कि इससे पहले भी बहुत सी जगह पे रायट हुए हैं पंचमहल में दाहोद में छोटा उदयपुर में अहमदाबाद में कुछ जगह पर यह आप देखेंगे ये हिम्मत नगर और ये खम्बात में तो ये एक आ, मुस्लिम कम्युनिटी को डीमोरलाइज करने के लिए अब ये जो ख़वा है वूमन है उनको भी आरोपी बनाती है अब यहाँ फ़तेहपुरा में भी जो है पांच जो वूमन पांच महिलाओं को जो है मुस्लिम महिलाएं उनको आरोपी बना के उनको अरेस्ट किया गया है आज भी वो आ, तीन दिन से वो जेल में हैं कल उनकी बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट की गई है जबकि पूरी जो घटना है वो मेन रोड पर हुई है पथराव की जो भी घटनाएं हुई है या ये फ़तेहपुरा में जो इंसिडेंट हुआ है जो एक दोपहर के वक्त जो यात्रा निकली थी वो भी सारी मेन रोड पर है, उसमें महिलाएं कहीं भी नहीं है महिलाओं ने अगर कहीं कुछ रजिस्ट किया है तो वो जो निर्दोष लोगों को पुलिस पकड़ने गई उनके घर पर या कुछ अगर उन्होंने तोड़फोड़ की है जो आक्षेप लगा रहे हैं ये फैमिलीज़ के लोग तो वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को अपने फैमिली के लोगों को बचाने के लिए उनको किया है लेकिन उनको अरेस्ट बना दिया है पूरे एफआईआर के अंदर कि भाई ये लोग भी इसमें आ, शामिल है जो सरासर यानी गलत और एक यानी ये निंदनीय जो स्टेप है आ, पुलिस का जो है तपास जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है

फोटोस के अंदर कैमरे के अंदर आएंगे तो हम इनके ऊपर कार्यवाही करेंगे अगर नहीं आएंगे तो हम उनको छोड़ देंगे तो उन्होंने कोई कैमरे भी नहीं देखे कुछ भी नहीं देखा डायरेक्ट उनके ऊपर केस करके अब उनको सेंटर में डाल दिए गए और एक मेरा नवाज इसको को दो दिन की रिमांड पे था तो आज आज की तारीख में उसको भी सेंटर में पहुंचा देंगे और मेरा लड़का जो पढ़ता है उसका क्या आएगा उसका कुछ करो मेरे को वो लड़का चाहिए मेरे छोकरे का स्कूल का भी कर ही जाएगा